नमस्कार, इस समय आपसे हम विस्तार से कैथल के बात प्योदार रोड पर करूंगा। कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र में आज जैसे फसल कि अवशेष और जो अभी मोटे अनाज को मुझसे लेकर बात किसान हुई मेला है लगा हुआ है, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सैकड़ों की सरकार संख्या में जो द्वारा किसान हैं यहाँ पहुँचे हैं। कि तो DDA डॉक्टर करमचंद हैं, क्या कुछ किसान मेले का उद्देश्य है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मैसेज और संदेश किसानों के लिए वो देना चाहेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो कृषि मेला आज आयोजित किया गया है, क्या कुछ मैसेज और संदेश किसानों को देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल अवशेषों का प्रबंध करें, उन्हें खेतों से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, उनका इनसीटू मैनेजमेंट करें, चाहे रिटेंशन टेक्निक से करें चाहे इनकॉर्पोरेशन टेक्निक से करें। ज़्यादा जोर दें आप रिटेंशन टेक्निक पर, क्योंकि जितना अवशेष जमीन की सतह पर रहेगा उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और धीरे धीरे वो खाद के रूप में परिवर्तित होगा। उसमें हमारी माइक्रोबायल एक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसका लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा और ज़मीनें जितनी हमारी ख़राब होती जा रही है उनमें भी सुधार होगा। और किसानों को हमने यहाँ बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नवीनतम मशीनें हैं उनका प्रयोग करें, कस्टमाइजिंग सेंटर से किराए पर आप ले सकते हैं और 1,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे आप एक्सीटू मैनेजमेंट करें या इनसीटू मैनेजमेंट करें उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, समय रहते अप्लाई करें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे हरियाणा में जिला कैथल में सबसे ज़्यादा इन 1,000 रुपये प्रति एकड़ जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लगभग 16 करोड़ रुपया, और यहाँ किसानों ने बड़ा अच्छा इसमें उत्साह दिखाया है। एक्सीटू में भी अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि हम इतना प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन 25 मंडियां पहला जिला है पूरे हरियाणा में जहां पर 25 मंडियां पराली खरीद के लिए लगी हैं और वो एक आय का जरिया भी काफ़ी किसानों के लिए बना हुआ है, और राजस्थान और गुजरात में यहाँ से चारे के रूप में परिवर्तित करके उसको भेज रहे हैं। तो अब धीरे धीरे किसान समझने लगे और 99% हमने फसल अवशेष को प्रबंध कर लिया है पिछले सालों के अगर हम फिगर्स देखें, और इस साल भी हमने विशेष अनुरोध किया कि आप इसको आगे बिल्कुल भी ना जड़ाएं और खेतों में दबाएं या फिर पार निकालें। अब जैसे किसान यहाँ आए हुए थे, फसल अवशेष से संबंधित कोई क्वेश्चन होंगे किसानों ने पूछा भी, किस तरह से इसका जो समाधान है वो हो? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इसको कौन सा तरीका बढ़िया है कि इनसीटू मैनेजमेंट में कौन सा करें, तो हमने अपने वक्तव्य में और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि आप इसको रिटेंशन टेक्निक ज़्यादा अपनाएं, कि नहीं फनों को ज़मीन के ऊपर ही लिटाएं, ज़्यादातर जीरो टिलेज का, हैप्पी सीडर्स का, इनका ज़्यादा प्रयोग करें, और बाहर निकालना गलत है क्योंकि ये फसल अवशेष बहुत कीमती हैं, जितना हम इनको ज़मीन में मिलाएंगे ज़मीन के ऊपर छोड़ेंगे उतने ही फायदेमंद होंगे, ऐसा किसानों को बताया। एक दो क्वेरी थी कि 1,000 रुपये का लाभ कहाँ से ले सकते हैं, वो भी हमने बता दिया कि वो पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, सीधा उनके खाते में पैसा आ जाएगा। तो मोटे अनाज को लेकर सरकार कहीं ना कहीं समय समय पर बताती है, और जो बाजरा है आजकल वो काफ़ी, जैसे हम देख सकते हैं, डिपो पर भी पहुंचने लगा है, तो क्या कुछ कहो? हाँ बिल्कुल, आज का जो विषय था इसके साथ साथ हमने उसको भी क्लब किया है, और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़े, उनकी उपयोगिता बढ़े और आम जनमानस इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में प्रयोग करें, और इसके बारे में हमने विशेष तौर पर आज किसानों को बताया गया है कि इसमें कि 1 एकड़ में धान अगर हम लगाते हैं उसमें 1 साल में जितना पानी लगता है उतने पानी में 26 साल मोटे अनाज हो सकते हैं, और मोटे अनाजों की गुणवत्ता इतनी है कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत लाभदायक हैं, उनमें ज़्यादा फाइबर्स हैं, ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, और उसके शुगर्स और जो BP के मरीज हैं वो ज़्यादा लाभान्वित भी हो रहे हैं, खा के उसको पता भी चल रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है, रैलियाँ भी निकाली जा रही है, तो हमने किसानों से अनुरोध किया है और आह्वान भी किया है कि इसको आप उगाएं भी और खाएं भी। सब इससे संबंधित फसल अवशेष से संबंधित या जो मोटे अनाज के बारे में या और भी अगर किसानों को कोई जानकारी लेना चाहें तो कहाँ से मिल सकती? वो सीधा मेरे अधिकारियों से, विभिन्न जो खंड कृषि कार्यालय हैं वहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र में सीधा संपर्क कर सकते हैं वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से, और स्वयं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज जो किसान मेला लगाया गया है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो क्या उद्देश्य था और कितने किसान यहाँ पहुँचे? आज कृषि विज्ञान केंद्र में फसल अवशेष प्रबंधन पर मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में लगभग 600 किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागृत करना था। कैथल जिले के अंदर कृषि वैज्ञानिकों की टीम और कृषि विभाग के प्रयासों की वजह से 99.9% जो किसान हैं अब फसल के अवशेषों में आग नहीं लगाते। किसानों को जागरूक किया गया कि जो फसल के अवशेष है ये अवशेष नहीं, ये विशेष है, अगर ये आप खेतों के अंदर रखेंगे और खेत के अंदर बिजाई करेंगे
तो आपके जो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी, जो कि लगातार घटती जा रही है। इसलिए किसान जो है कैथल ज़िले के बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और कृषि विभाग का, कृषि वैज्ञानिकों की टीम का लगातार किसानों से संपर्क रहता है और प्रयास रहता है कि जो फसल के अवशेष है वो खेत के में रखें और अपना उत्पादन बढ़ाएं।